13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सरदार गुमश्तकीन का हुक्म है, हम मजबूर हैं। मैंने कहा जाने दो इसे, वरना इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी मैं। गुमश्तकीन ने देली दमीर को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया और उसके बाद मेरी बहू हलीमा सुल्तान को भी गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हरकत है गुमश्तकीन? हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून आपके खिलाफ चाल चल रही हैं। सुल्तान अलाउद्दीन से आपके और मेरे बारे में शिकायत की है इन्होंने। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो साबित करो ये इल्जाम। अगर मैंने साबित कर दिया तो हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को आप खुद अपने हाथों से मेरे हवाले करेंगी। कोकचे और दूतकिन की शादी जल्द होने वाली है और अगर हम दूसरे सरदार को भी शादी के लिए राजी कर लें तो फिर कोई हमारी राह में हायल नहीं हो पाएगा। छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई
यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई मैं हूँ। तुम खुश हो गया तुम्हें देखकर? खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। इसमें क्या है भाई? नहीं बता सकता, हाइवा खानम की अमानत है, कोनिया पहुंचाना है इसे। मुझे लगता है मंगोल यकीनन तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे होंगे, वो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तुम मेरे साथ कबीले वापस चलो, हाइमा खानम को सूरत हाल बताना, फिर चले जाना। क्यों है ना अकल की बात? बिल्कुल ठीक कहा तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो। वो ये मंगोल तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह लड़ते हैं, जितना भी मौका दो कुछ कर ही नहीं पाते ये लोग। सब छोड़ो, ये बताओ कबीले में सब ठीक है ना? क्या मतलब क्या हुआ? अर्तुरुल भाई को कबीले से निकाल दिया है। अर्तुरुल भाई को? अर्तुरुल भाई को कौन कबीला बदल कर सकता है? चलो रास्ते में बताता हूं। सब कुछ बताओ मुझे अर्तुरुल भाई, कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे बाबा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा ही हुआ, कोजाबाश जब वो मक्तूब वापस लेकर लौटेगा तो फूफी खुद अर्तुरुल को हमारे हवाले करेंगी। बेटा फर्ज करो कि हम इस मुश्किल पे काबू पा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या मतलब है आपका? तुम्हारे बाबा अपनी बसीरत खो बैठे हैं बेटा, अगर कबीले का सरदार अपनी बसीरत ही खो बैठे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। काई वालों के आने के बाद हमें सुकून नसीब नहीं हो सका, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं इसके? तुम्हारे बाबा बराबर के शरीक हैं सूरत हाल के। मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लो कि यूं ही अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बाबा अपनी सरदारी खो बैठेंगे। तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर उन्होंने वो मक्तूब हासिल कर लिया तो क्या होगा? हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। तेली दमीर, हलीमा को हम कबीला गांव से बाहर ले जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है आयमा खानम, बहुत मुश्किल है। एक चिड़िया भी कबीले से बाहर नहीं जा सकती। वालिदा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर कह चला गया, पीछे इतना बड़ा फसाद खड़ा हो गया। तुमने सही सुना है बिल्कुल, उन्होंने अगर कासिद को पकड़ लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कैसा कासिद वालिदा? सुल्तान अलाउद्दीन को कासिद भेजा था हमने। वाह आफरीन है आपकी बसीरत पर, काश कि आप इन दानिशमंदाना मंसूबों से मुझे पहले आगाह कर देते। कासिद को मैंने रवाना किया, आपको इस सारे मामले की खबर होती अगर आप कबीले में मौजूद होते। नहीं हलीमा सुल्तान, नहीं। अब यह बात वाजह है कि आप इस कबीले पर सुल्तानों की तरह राज करना चाहती हैं। आपकी हुक्मरानी की ख्वाहिश इस कबीले को तबाह बर्बाद करके रख देगी। बजाय ये बताने के कि इस वक्त मेरा भाई कहां है, आप इस कबीले को मुश्किलात के दलदल में फंसा रही हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? आखिर उन्हें इस कासिद के बारे में मालूम कैसे हुआ? अगर ये मक्तूब नहीं भेजा तो वो लोग अर्तुरुल को मार देंगे। अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा।
या अल्लाह, हमारे कासिद को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना मेरे मालिक। आमीन। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। बम्सी, बम्सी। वालेकुम अस्सलाम। हाय मखानम। शुक्र है तुम लौट आए। तमीर उस्ताद, खुश आमदीद मेरे बच्चे। भाई, खुश आमदीद बम्सी। शुक्रिया भाई। हलीमा सुल्तान, खुश आमदीद बम्सी। क्या करता रहा इतने दिन मेरा बबर शेर? पहाड़ों में लड़ता रहा हूं दमीर उस्ताद। हाय मखानम, दुंदार बिल्कुल ठीक है। ये गिद्ध भी बहादुर हो गया है, काबिल होते जा रहे हैं, बिल्कुल शेरों की तरह ताकतवर। हाय मखानम, गुनकुत को भी अपने साथ आया हूं मैं। गुनकुत? गुनकुत अंदर आ जाओ। गुनकुत, खैरियत है? मंगोलों ने हमला कर दिया था हाइमा खानम, बम्सी की वजह से मेरी जान बच गई। उन्हें मालूम था कि मैं मक्तूब लेकर जा रहा हूं। किस्मत ने हमें फिर बचा लिया है। बम्सी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जो हुक्म भाई। इजाजत चाहूंगा, फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूं मैं। मुनासिब समझे तो मुझे फैसले से आगाह कर दीजिएगा। बहुत याद किया तुम्हें बेटा, बहुत याद किया। हाँ। मेरे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो उसे तलाश कर लेंगे। आखिर कब तक छुपेगा हमसे? भाई, लगता है उस कासिद को जमीन निकल गई, कोई सुराग नहीं मिला उसका। बेवकूफ हो तुम, जाओ और जाकर तलाश करो उसे। अब क्या करेंगे हम? इत्मीनान रखो, महल में मौजूद मेरे सिपाही हलीमा सुल्तान की तरफ से एक दूसरा मक्तूब सुल्तान अलाउद्दीन को पेश करेंगे। आप तो खौफ ज्यादा कर रहे हैं मुझे। महल के हालात कैसे हैं? सुल्तान अलाउद्दीन, सादुद्दीन को पैक। सुल्तान अलाउद्दीन एक बहुत बाबसीरत बादशाह है, और सादुद्दीन को पैक जैसा शैतानी दिमाग मैंने आज तक नहीं देखा। शैतान और फरिश्ता एक ही महल में है। मैं इस कहानी के अख्तिताम के लिए बहुत फिक्रमंद हूं, और मेरे जहन में एक सवाल उठता है तूतकिन, कि इस सारी कहानी में हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए। अब्दुर्रहमान ने नौयान की अमाजगा तक रसाई हासिल कर ली? रसाई तो हासिल कर ली है उसने, मगर मुझे फिक्र है कि
वो वहां से बाहर कैसे निकलेगा? अभी हमें अर्थरुल को इस मुश्किल से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना है। एक दिन ऐसा आएगा जब मर्द मुजाहिद जाहिर होगा और उसके बाद हर शय यकसर बदल जाएगी दिली दमीर। तो फिर उस मर्द मुजाहिद को जल्द जाहिर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है वो वक्त अभी नहीं आया। मेरे बच्चे, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, मशकूर हूं मैं आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा ना करें। जब तक हक के रास्ते पर गामजन है आप, आपके रास्ते की रुकावटें और राह हमवार करने के लिए आपके सफर में आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है ज्यादा, हमें जल्द कदम उठाना होगा। अस्सलामुअलैकुम भाई। बमसी, मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुना था। भाई भाई, ये कह रहे थे आपको कबीला बदल कर दिया। इन्हें करने दो जो करते, हमें मालूम है हमें क्या करना है। मेरी जान कुर्बान है भाई आप पर, मेरी जान भी कुर्बान है। आओ बैठो हमारे साथ। भाई भाई, आपका हाथ समझो एक मच्छर ने काट लिया था। मम्सी भाई, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उस मच्छर को भाई। फिक्र मत करो बमसी, मकसद बड़ा हो तो तकलीफें तो उठाना पड़ती हैं। सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। बहुत दिन हो गए, काफिरों के सर तन से जुदा नहीं किए मैंने, मेरी रूह बेचैन हो गई थी अंदर से। हलीमा सुल्तान को मेरी आमद की खबर देना होगी। मैं खबर देता हूँ, इजाजत दीजिए। अल्लाह मेहरबान हो आप पर। जहमत ना कीजिए, तशरीफ रखिए। दमीर उस्ताद, आप जानते हैं मुझे इजहार करना नहीं आता, लेकिन मेरी ताजियत कबूल कीजिए, दिल जल रहा है मेरा। शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें बाहों में भरना चाहती हूँ मेरे बच्चे। सब खैरियत तो है तुराली? अर्थरुल भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुरुल कातिल है, या वो कभी हुकूमत को धोखा दे सकता है और या सल्तनत से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ हो। तो फिर अर्तुरुल को खुद यहाँ आकर जिरके का सामना करना चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो इस तरह छुपता क्यों फिर रहा है? गुमुश्तकिन मुझे भाइयों की तरह अजीज है। आज अगर मैं हयात हूं तो उसी की वजह से। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उसने मंगोलों से जंग की, उसी जंग की वजह से उसका पैर भी मुतासिर हुआ। लेकिन इस बार वो हक पर नहीं है, वो फितने को गलत जगह तलाश कर रहा है। आप हमेशा मेरे भाई की बसीरत और दूरंदेशी पर भरोसा करते आए हैं। करता हूं, करता भी रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं। वो एक फितने को खत्म करने के लिए नए फितने खड़े कर रहा है।
तैयार हो जाओ हलीमा सुल्तान, कोनिया जाओगी तुम। क्या मतलब? क्या हुआ अगर हमारा कासिद कोनिया न पहुंच सका? हम खुद जाएंगे वहां। मगर ये कैसे मुमकिन होगा बेटा? गद्दार को ही कहेंगे कि मदद करें हमें बहिफाजत कोनिया पहुंचाने के लिए। अंधियों की जद में है और तुम्हारे इल्म में लाए बगैर ही आम फैसले किए जा रहे हैं। तुम्हारी बीवी कबीले को जहन्नुम बनाने पे तुली हुई है और तुम क्या कर रहे हो गुंदोगदू? हाँ, तुम्हें अपने आवाज़ों पर काबू पाना होगा। सुलेमान शाह के फर्जंद हो तुम गुंदोगदू, अगर जमीन पर कदम मजबूती से जमाने हैं तो सारी कश्तियां चला दो गुंदोगदू। सकता हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए उस्ताद, शोरबा गर्म है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। मैं दरअसल एक जरूरी बात करने आया था तुमसे और मुझे उम्मीद है कि यह बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। तुर्कुत और दुहान पहले तो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन तुमने अपने रवैये से साबित कर दिया है कि तुम कितने बहादुर सिपाही हो। बहुत शुक्रिया तमीर उस्ताद। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है कोजाबाश, ताकि हम खुद पर लगे इल्जामात को धो सके। तुर्कुत और दुहान ने मेरी जिंदगी बचाई, वो दोनों मेरे भाई की तरह हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूंगा। मैं मुंतजिर हूं आपके हुक्म का। शुक्रिया तुम्हारा। तुलुए आफ्ताब से पहले हलीमा सुल्तान और मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन हमें बहुत खामोशी और राजदारी से इस काम को अंजाम देना है। कबीले के पहरेदार तुम्हारे इख्तियार में है। क्या अर्तुरुल भाई से भी मुलाकात मुतवक्के है? बिल्कुल होगी। परेशान ना हो आप, मैं आपके साथ हूं तमीर उस्ताद। मुझे खुशी होगी जब आप इल्जामात से बरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर किस्मत हमें एक दूसरे से जुदा कर रही है। तुम महफूज रहो, सूरज की तपिश से, बरसात की यकबस्तगी से दूर, कोई संग रुकावट ना बने। खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ।
कोनिया तबील मुसाफत पे है मेरी बच्ची, कई शब रोज का सफर है। तुम उम्मीद से हो मेरी बच्ची। इसके अलावा जो कासित हमने कोनिया भेजा था उसके साथ क्या हुआ तुम जानती हो। इन हुदूद से बाहर निकल जाने तक अर्तुरुल हमारे साथ होंगे वालिदा, और अगर मेरे बच्चे को अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है तो इसे आदत डालनी होगी मुश्किलात की। अल्लाह की अमान में दिया, खैरियत के साथ तुम मंजिल तक पहुंचोगी इंशाल्लाह। हलीमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। अर्तुरुल मुझसे अब तक नाराज है क्या? वो आपसे नाराज हरगिज नहीं हो सकते, बल्कि वो तो आपको बेहद याद करते हैं। वो आपसे मिलने और आपकी दस्तबूसी के लिए बेचैन है। मैं भी उसको बहुत याद करती हूं। अल्लाह कभी किसी माँ को उसकी औलाद से जुदा ना करे। आमीन। चलो बेटी, अल्लाह की अमान में दिया। वालिदा, अर्तुरुल ने एक और पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। कोई राज की बात है? ऐसा ही है वालिदा। तो फिर बताओ मेरी बच्ची, क्या बात है? सुंगुर्दगिन, अर्तुरुल ने बताया कि उनके भाई जिंदा है वालिदा। कैसे, उसे कैसे मालूम हुआ? जहां आपने इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सब्र और कर लीजिए वालिदा, वो बहुत जल्द आपके बेटे को आपके सामने ले आएंगे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे ये खुशखबरी दी तो मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलवा दे। दुआ को हूं मैं, मेरे लखते जिगर को मुझसे मिलवा दे या रब। आमीन। मेरी बच्ची, गोक्चे, वो कहां है मुझे मालूम हो गया है। अर्तुरुल, तूतकिन, फौरन जाएं आप और उन्हें जिंदा लेकर यहां आए ताकि सजा मिल सके उन्हें। भाई, इससे पहले के हालात खराब हों हाइमा खानम से बात करें आप। पहले हमने गोकचे के रिश्ते की बात की थी तूतकिन के लिए, क्योंकि वो गोकचे को अपनी बेटी की तरह समझती हैं, और अब हम उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपने बेटे को फांसी के घाट चढ़ा दें कोरकुत से निजात पाने तक। हाइमा को राजी और खुश रखने में ही हमारा मफाद है भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। गुमिश्तकिन साहब, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। इजाजत दीजिए हमें। खैरियत है बेटा? अर्तुरुल का ठिकाना मालूम हो गया है। कहाँ है वो? कल अपनी बीवी और तेली दमीर से मुलाकात करेगा। सुल्तान तक जब उनका मकतूब ना पहुंच सका तो उन्होंने बजाते खुद वो मकतूब पहुंचाने का फैसला किया। अपने बाबा से जिक्र तो नहीं किया तुमने? उन्हें नहीं मालूम। तुम जानते हो अपने भांजे के बारे में कितने हसास हैं तुम्हारे बाबा।
खुद इस मामले से निपटूंगा मैं। यही बेहतर होगा, जाओ और उसे लेकर ही आना। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आ जाओ। याद किया था आपने मुझे? सिपाहियों को तैयार करो, सूरज निकलने से पहले रवाना होना है। अर्तुरुल कहां है पता चल गया है। मेरे पास एक खबर है। तुम लौट आए। कहां थे तुम तांगुत? बात करना चाहता हूं मैं। ऐसा क्या है जो तुम इन लोगों से छुपा रहे हो जिन पर मैं एतमाद करता हूं तांगुत? मैं आपसे तन्हाई में ही बात करूंगा नोयान। शाबाश, इसी तरह करती रहूं। मैं आती हूं कुछ देर में। क्यों आई हो यहां? जाओ यहां से, जल्दी करो।
क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हारी सखावत और फयाजी मुझे यहाँ खींच लाई। कितनी मकार औरत हो तुम। तुमसे कहा था ना दोबारा मत आना। मौसम सरमा करीब है, मैं ठहरी ज़ईफ़ औरत और मुझे जगह चाहिए सर छुपाने की। तुम यहाँ नहीं ठहर सकती, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी हड्डियाँ भेड़ियों की खिज़ा बन जाएंगी और तुम तो यही चाहती हो ना तुम? हाँ बताओ, यही चाहती हो ना? वहाँ पहाड़ के नशीब में मेरा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सामान लाके देती हूँ अभी। बहुत शुक्रिया अतुलन खातून, आखिरी मुलाकात हो शायद, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। खुद अपने हाथों से तुम्हें भूखे भेड़ियों की गिजा बना दूंगी। अब जाओ यहाँ से। जान, आप ठीक तो हैं? वो मकार औरत दोबारा आई थी यहाँ। मैंने आपसे कहा था कि ये औरत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए आप परेशान नहीं हो, मैं खुद उसे देख लूंगी। मैं अपने तरीके से उसे समझा दूंगी कि वो आइंदा आपको जहमत नहीं दे। मैं जंगल में शिकार करने गया था तो कुछ निशानात का पीछा करते हुए एक मकाम तक पहुंचा। मुद्दा क्या है? वो काई जंगजों के निशानात थे। मैं इस उम्मीद पर निशानात खोजता रहा कि शायद उनमें से कोई एक हाथ आ जाए। मैंने देखा कि आर्तुकुश को ले जाने वाले सिपाहियों पर अचानक हमला कर दिया उन जंगजों ने। जानते हो तुम क्या कह रहे हो तांगोत? आर्तुकुश को मैंने इसलिए मार दिया कि वो उन लोगों के हाथ ना आ जाए। वो आदमी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी, वो एहदियों को पेश करने से पहले ही मार दिया तुमने उसे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ अर्तुरुल, दुनिया तबाह बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। खैरियत है तांगुत, क्या हुआ है? अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें सुबह ही रवाना कर देगा नोयान। नोयान की हर खबर जो तुम पहुंचा रहे हो अब तक, वो मंजिल की और करीब ले जा रही है। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। घोड़े तैयार कर, हमें निकलना होगा। जो आपका हुक्म। तुम्हारी मौत का परवाना बहुत करीब आ चुका है, कोई रास्ता नहीं बचने का। अपने अजीज तरीन सिपाही को खोने पर नोयान बहुत गुस्से में है।
कौन हो तुम? सुलेमान शाह की बेटी सलजान। जानती थी उन्हें मैं, लेकिन तुम्हारा सगा बाप भाई को भाई से लड़ाने वाला शैतान सिफत आदमी था। सुना था तुम भी अपने बाप से मुख्तलिफ नहीं थी खातून, लेकिन एक दरवेश की वजह से राह रास पर आ गई और तौबा कर ली तुमने। तुम्हारी बातें सुनकर तो ये अंदाजा होता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। मालूम है, सब मालूम है। जाओ अब तुम यहाँ से, तन्हा छोड़ दो मुझे। क्या चाहती हो मुझसे? आयतुलन, उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था तुम्हें देखकर? कीमत दे सकती हो मुझे? जो तुम जानना चाहती हो मुझसे उसके लिए ये दोगी? मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी तुम्हें। इसका मतलब नफरत है तुम्हें आयतुलन खातून से? उस औरत को मैं अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। बताओ मुझे, तुम क्या जानती हो? इतनी खौफजदा क्यों है वो तुमसे? उस औरत के ताल्लुकात कुरकुत भाई से बहुत पहले से है। वैसे एक बात बताओ मुझे, ऐसी औरत के बारे में बात करनी चाहिए? बिल्कुल। तो पहले कीमत अदा करो, अंधेरे से पहले आ जाओ, मालूमात ले जाओ। तुम यहीं रुकना, मैं तलाई से खिलाती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखना यहाँ से हिलने का सोचना भी नहीं। कहाँ जाऊंगी मैं जहन्नुम के अलावा? तुमने क्या बताया है उसे? कुछ नहीं बताया। क्या बताया है तुमने उसे? कुछ नहीं बताया। ये क्या है? मैंने पूछा ये क्या है? हाँ? कुछ नहीं बताया उसे। यही अंजाम होना था तुम्हारा एक दिन। उस मासूम औरत के खून से अपने हाथ रंगीन करके किस बेशर्मी और दीदा दिलेरी से सबके सामने खड़ी हुई हो? शर्म नहीं आती तुम्हें बदबख्त औरत? और तो कुछ के कातिल और सल्तनत से गद्दारी करने वाले को लेने आया हूं मैं। यह सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, लेकिन वो गद्दार मैं नहीं। वो गद्दार तुम्हारा यह सिपाही है कोजाबाश। देख लेना, मैं साबित करूंगी उस औरत की मक्कारी को सबके सामने, फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी। गद्दार तुम थे।